कहानियां उस शख्स दी जो इंसाफ लई दर दर दी ठोकर खा रहा है। कहानी है जम्मू दे 24 साला तुषार ठाकुर दी जो लुधियाना दे डीएमसी हस्पताल च जिंदगी अते मौत दी लड़ाई लड़ रहा है। तुषार फौज दे पेपर देने लई जम्मू तो अहमदाबाद जा रहा सी। 19 मई दी घटना है। राज चलदी ट्रेन च तुषार नू तीन नौजवानों ने सिगरेट पीन तो जदों तुषार ने तीन नौजवानों नू सिगरेट पीन तो रोकिया तां नौजवानों ने तुषार नू चलदी ट्रेन तो हेठां सुट दिता। तां लाजमी तौर ते है जिस मगरों उसनू लुधियाना दे सिविल हस्पताल दाखिल करवाया गया। हालांकि बेजान हालत च तुषार नू छड्डिया गया। तुषार दी रीढ़ दी हड्डी टुट चुकी सी पर सिविल हस्पताल तुषार नू सही इलाज ना मिलन कारण उसनू डीएमसी रेफर किया गया जिथे उसका इलाज चल रहा। पर सवाल यह उठ रहे हैं कि मामला 19 मई का है। तुषार की मां लगातार कार्रवाई लई दर दर दी ठोकरा खा रही है पर एक एफआईआर तक नहीं दर्ज हुई। यानी कि 19 मई तो अज 24 जून 36 दिन पर एक भी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। जीआरपीएफ यानी कि जो पुलिस फोर्स है रेलवे की पुलिस फोर्स है उन्हों वालों भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जीआरपीएफ की हालांकि दलील यह है कि नौजवान बयान देने दे समर्थ नहीं है इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे। जबकि मां ने दसिया कि जो तुषार के मोबाइल से कॉल की गई तो किसी ने फोन चुक के कहा वह सिविल हस्पताल लुधियाना विखे है जो इस वारदात को अंजाम दिता गया उसको उतो ले जाओ उसकी हालत गंभीर है। जिस तो बाद तुषार की मां ने कहा कि एक महीना बीत गया है हूँ तक रेलवे पुलिस वालों कोई कार्रवाई नहीं की गई। लाजमी तौर पर सवाल उठने लाजमी ने। हालांकि जस्टिस जो कि हर शख्स का हक है इंसाफ की मांग कर रहा है हूँ तुषार लई इंसाफ कदों मिलेगा यह वड्डा सवाल है। पर एक होर सवाल यह उठता है कि तुषार दी जो एक गलती है वह गलती की सी कि सिगरेट पीन तो रोकना यह वड्डी गलती है। एक महीना यानी एक महीने तो वाद समा हो गया। 19 मई की घटना है तो अब 24 जून 36 दिन हो गए हूँ तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं होनी तो पंजाब पुलिस के वड्डे सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि सवाल एक यह भी खड़ा हो रहा है कि रेलवे पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की पर मां लगातार इंसाफ की मांग कर रही। रेल जी है किसी ना किसी कारण कोई ना कोई गल लेके हमेशा चर्चा रहती है चाहे कोई हादसा हो चाहे किसी यात्री नाल किया गया दुर्व्यवहार हो। पर एक ऐसी घटना सामने आई है कि जम्मू तो एक मिलिट्री का एग्जाम देने जिहड़ा युवक सीगा वह जम्मू तो रेलवे बैठिया इसी कोच लता पर जदों वह लुधियाना के कोल पहुंचा तो उन्होंने पता उन्होंने की होया कि वह हस्पताल सीगा उन्होंने घर ने उन्होंने ये सूचना आई कि थोड़ा लड़का हस्पताल जब हस्पताल के देखते हैं तो वो रीढ़ की हड्डी पूरी जी डैमेज हो चुकी है। तो वह लड़का पिछले एक महीने तो लुधियाना के दयानंद मैडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के दाखिल हैगा तो परिवार जोड़ा है काफ़ी परेशान है। पर जो है जीआरपीएफ की गल करिए या रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की गल की उन्होंने हज तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की। सवा महीना के आस पास जोड़ा वह हो गया है। सड़ा उन्होंने माता जी ने उन्होंने गल करने की कोशिश करेंगे तो मैडम जी की नाम है जी प्रतिमा जी क्या बात हुई थी पूरी कहानी डिटेल से बताएं आप। मेरा बेटा जा रहा था नाम क्या उसका तुषार ठाकुर वो जा रहा था एसएसबी देने के लिए 1:30 बजे की ट्रेन में गया है और शाम को 7 बजे हमें फोन आ जाता है कि उसका 1:30 बजे कहाँ से बैठा था जम्मू से बैठा था और शाम कहाँ जाना था उसने गांधीनगर अहमदाबाद के लिए तो शाम को 7 बजे हमें फ़ोन आ जाता है कि ऐसे ऐसे उसका एक्सीडेंट हो गया ट्रेन से गिर गया। दोपहर को 1:30 बजे जम्मू से बैठता है गांधीनगर के लिए और शाम को आपको 7 बजे फोन आता है। हाँ जी फोन आता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया हुआ है वो ट्रेन से गिर गया हुआ है। तो हम तो हॉच पॉच में निकल गए जल्दी जल्दी तो हम तो 2 बजे पहुँचे यहाँ पे। उससे पहले किसी की चलो किसी की वजह से वो पहुँच गया डीएमसी में लेकिन उसको जो उसमें सिविल हॉस्पिटल में वो किया था वहाँ पे कोई केयर नहीं की गई उसकी। किस दिन की घटना है ये 19 मई की है। 19 मई हाँ जी लेकिन तकरीबन एक महीना हो चुका है। हाँ जी 33-34 दिन हो गया है। हाँ जी तो क्या होता भाई यहाँ आए फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे डीएमसी में किसी ने वो कर दिया उसको एडमिट करा दिया। तब तक ये पहुँचे नहीं थे अभी ये 2 बजे पहुँचे हैं रात को 12 बजे तक उसको एडमिट करा दिया था डीएमसी में। हमारे कोई नो नहीं थे उन्होंने एडमिट करा दिया था उसको तो उसकी कार्रवाई वो शुरू हो गई ट्रीटमेंट शुरू हो गई यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई थी। हमने 2-3 बार कौन सा था वो लुधियाना का ही था कोई
हमें नहीं पता है, हमने फ़ोन किया उनको, वहाँ से फ़ोन कर रहे हैं, बेटे के ही फ़ोन से कर रहे हैं। तो आपके बेटे का फ़ोन उसकी जेब में था? हाँ, बेटे का फ़ोन उनके पास ही था। किसी नर्स ने क्या किसने उठाया, तो वो हमें ऐसे ट्रीट कर रही है कि जैसे हमारे बच्चे को कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसे बोल रही है कि आप इधर आके देख लो, ये कर लो। हम भी तो जम्मू से आने में भी तो टाइम लगता है, यहाँ तक आने में टाइम तो लगता ही है ना। तो ऐसे रूडली बात कर रही थी वो कि आप इधर ही आके। जो था आपका होश में था? नहीं, वो होश में नहीं था, लेकिन सिस्टर से कहना कि सिविल अस्पताल में उसका इलाज नहीं हुआ। कितने देर रहा होगा वहाँ पे? 7 बजे से आप समझ लो 12 बजे तक रहा वो, 6-7 घंटे तो रहा। आपको क्या कहा उसने फोन पे? मैंने जब फ़ोन किया तो उसने कहा ये जी इसका एक्सीडेंट हो गया हुआ है, आप इसको किसी दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करा लो, इस यहाँ पे इसकी कोई केयर नहीं हो रही है। उसकी स्पाइन इंजरी होगी हुई है, हेड इंजरी है, मतलब सिर से लेके पांव तक इंजरी है उसकी, टांगे टूट गई, हिप डिसलोकेट हो गया हुआ उसका, ये यहाँ तक ही। तो बातचीत करते हैं या कोमा में अभी? अभी वेंटिलेटर पे है, बात नहीं कर पाता हूँ। कैमरा पर्सन गुरजन सिंह नाल मनोज जोशी, जी मीडिया, लुधियाना। ते पुकार नहीं एक गुहार है उस मां की जो अपने पुत्र दे इंसाफ लई दर दर दी ठोकरा खा रही है। वह सवाल कर रही है कि यह साडा कसूर की है। वह एग्जाम का पेपर देन जा रहा सी तुषार अते उसने रोकिया उन्होंने नौजवानों जो कि जनतक थान से सिगरेट पी रहे थे, अते उन्होंने 3 नौजवानों ने उसनू जो ट्रेन के हेठा सुट दिता अते बेजान कर दिता, अते हुण पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जबकि GRPF पुलिस मुलाजम का कहना है कि तुषार बयान देन दे काबिल नहीं सी, इसलिए देरी हुई, वो कई बार बयान लैन गए सी। हालांकि इस कितनी सच्चाई है ये भी जल्द पता लगेगा। शार ठाकुर केस दे आईओ हाकम सिंह साडे नाल ने। हाकम जी, की चल रहा हैगा ते कितनी की इन्वेस्टिगेशन अपनी हुई है इस केस नूं लेके? हाँ जी, ये तुषार ठाकुर सन ऑफ बरिंदर सिंह, जम्मू दे रहण वाले ने, ते 19-5 नूं रेल गड्डी दे विचों ये गिरे सी। तो एक्चुअली रेल गड्डी दे विच इन्हां नूं गिर के एंबूलेंस द्वारा इन्हां नूं हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल अपने लुधियाना विच एडमिट करवाया गया सी, ते उस तों बाद रैफर करके इन्हां नूं DMC लुधियाना भेज दिता गया सी, जिथे मैं इन्हां दी गया सी फिटनेस लैण वास्ते। तो मतलब ज़्यादा सीरीयस होण करके मतलब इन्हां दी स्टेटमेंट नहीं ली गई, तो मैं जांदा भी रहा मतलब कई बारी, तो इन्ना हजे तक ठीक नहीं सी। तो अज डॉक्टर साहब ने इन्हों दस्या भी यह बयान देने दे योग ने ते फिट ने, तो अज इन्हां दी मैं स्टेटमेंट लिखी है। तो स्टेटमेंट लिख के मैं इन्होंने दस्या सी भी मैं उस दिन ट्रेन दे विच जिस दिन सफ़र कर रहा सी 19-5-23 नूं, तां भी जदों गड्डी लुधियाना रेलवे स्टेशन दे नेड़े पुज्जण वाली सी तां गड्डी स्पीड विच सी, तां मैनूं कुछ बंदे ट्रेन दे विच खड़े सिगरट पी रहे सी, तां मैं उन्हां नूं सिर्फ सिगरट पीण तों मना कीता, ते इन्ना कह के मैं अगे बाथरूम चला गया। जब बाथरूम दे विचों मैं बाहर निकलिया तां मैनूं आउंदिआं ने उन्होंने खिड़की खुली सी, तां मैनूं जबरदस्ती धक्का मार के उन्होंने मैनूं गड्डी दे विचों सिट दिता, ते उस तों बाद मैं बेहोश हो गया, ते अज मैं सुरत विच आया। ਤਾਂ ਤੁਸ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸਾਫ? ਮਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ ਪੁਲਿਸ, FIR ਦਰਜ ਕਰੇ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਇੱਕ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਣ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸ਼ਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦਾ, 19 ਮਈ 24 ਜੂਨ, 19 ਮਈ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, 24 ਜੂਨ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 36 ਦਿਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 36 ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਨੇ FIR ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। हालांकि रवनीत सिंह बिट्टू जो ने लुधियाना संबंधित ने उतों MP रह चुके हैं, तो हुण उन्होंने जो केंद्र च वजारत जिम्मेवारी मिली है वह केंद्रीय रेल राज मंत्री दी है, अते GRPF यानी कि जो रेलवे की पुलिस फोर्स है उन्होंने FIR दर्ज करनी है। पर 1 महीने तो वध समा हो गया, 36 दिन हो गए पर कोई FIR नहीं हुई, किसी ने भी तुषार की सार तक नहीं ली। हालांकि केस की पूरी टाइमलाइन पर जेकर नज़र मारीे तो तुषार ट्रेन से जम्मू तो अहमदाबाद जा रहा है। 19 मई में तुषार दोपहर 1 बजे ट्रेन च बैठा अहमदाबाद च मिलिट्री का उसने एग्जाम देना सी। तुषार AC कोच तो उठ के टॉयलेट करन गया,
टॉयलेट जो एक वॉशरूम बनया है जो एसी कोच वॉशरूम बनया सी उस कोल तीन नौजवान खड़े उत्थे सिगरेट पी रहे सी। सिगरेट पीन तो तुषार ने उन्हां रोकया अते उस तो बाद वो टॉयलेट करन चला गया। हालांकि टॉयलेट करन तो बाद सिगरेट पीन वाले नौजवानों ने देखा कि नेड़े कोई है नहीं तो तुषार नूं ट्रेन हेठां सुट दिता। तुषार नूं चलदी ट्रेन तो हेठां सुट दिता जिस तो बाद वो बेसुध हो गया। हालांकि हुण एक महीना हो गया और डीएमसी लुधियाना डीएमसी च दाखल है पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जीआरपीएफ वालों कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। फिलहाल का जेकर जिक्र करिए तुषार लुधियाना के डीएमसी च दाखिल है पर जेकर जिक्र किया जाए तो सवाल भी कई उठते हैं तुषार नूं कदों मिलेगा इंसाफ। लगातार असं ये सवाल चुक रहे हैं एक महीने बाद भी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई। सब तो वड्डा सवाल है पंजाब पुलिस से यह सवाल है पंजाब पुलिस कदों लवेगी सार जो कि साड़ी राखी ले बनी है। पंजाब पुलिस जेकर वो एफआईआर तक नहीं दर्ज कर दी तो वह की सार लगेगी पीड़ितों की। क्यों जीआरपीएफ वालों कोई कार्रवाई तक नहीं की गई है टाला वटा गया कि सिगरेट पीन तो रोकना यह तुषार की गलती सी यह तुषार का कसूर सी कि यह सब तो वड्डा कसूर हो गया कि किसी नशे तो रोकना वह भी जनतक थावां ते पब्लिक प्लेस से जिथे सिगरेट की सख्त तो सख्त मनाही है। हालांकि जेकर जिक्र किया जाए हुण जो अक के जेकर जिक्र किया जाए जो बहुत ज़्यादा जो एक हड पैर मारे एक माँ ने अपने बेटे के इंसाफ लिए जो एक दर दर की ठोकरा खाधी तो पूरे एक महीने बाद तुषार ने हुण ईमेल राही साइबर सैल और जीआरपी पुलिस लुधियाना भी अपनी शिकायत भेजी जिसकी तस्वीर तुम्हारी टीवी स्क्रीन के सामने है। पर सवाल उही है एक शख्स को बेजान किया जाता है कार्रवाई क्यों नहीं कदों तुषार को इंसाफ मिलेगा। 36 दिन हो गए जनाब कदों होगी एफआईआर यह वड्डा सवाल है। लगातार जी पंजाब हरियाणा हिमाचल यह सवाल चुक रहा है। लगातार कई सवाल चुके जा रहे हैं कई सवाल उठते हैं एक महीने बाद भी तुषार से जो तुषार की बेसुध हालत लिए जिम्मेवार लोग है उन्होंने एफआईआर तक क्यों नहीं हुई कौन इसलिए जिम्मेवार है जीआरपीएफ पुलिस क्यों सार नहीं लै रही। हालांकि लगातार असं सवाल चुक रहे हैं जेकर जिक्र किया जाए तो मां लगातार इंसाफ की मांग कर रही है। पर कई सवाल ने सवाल यह भी है कि पुलिस कदों सार लगेगी एक महीने बाद एफआईआर क्यों दर्ज हुई तुषार को कदों इंसाफ मिलेगा। पर सब तो वड्डा सवाल जो ये है कि सिगरेट पीन तो रोकना यानी कि नशे तो रोकना कि यही तुषार का कसूर सी ता पूरे एक महीने बाद तुषार ने हुण ईमेल राही भी साइबर सैल ते जीआरपी पुलिस नूं एक कंप्लेंट भी भेज दिती है अपनी शिकायत भी भेज दिती है अते ओ कंप्लेंट की कॉपी भी तुहानूं दिखाई। पर सवाल उही है कि कदों इंसाफ मिलेगा। कहानी है तुहानूं पता ही जिवें पहला जिक्र किया मैं जम्मू के 24 साल तुषार ठाकुर की जो कि अपने आर्मी का एग्जाम देने लई मिलटरी का एग्जाम देने लई अहमदाबाद जो ट्रेन तो जा रहा है लुधियाना डीएमसी हस्पताल च जिंदगी अते मौत की लड़ाई फिलहाल दी और लड़ रहा है। पेपर देने लई जम्मू तो अहमदाबाद लई रवाना हुंदा पर उसनूं की पता सी कि वो ट्रेन वो कित्थे जा रही है लुधियाना डीएमसी वो ट्रेन पहुंची हुण क्योंकि तुषार डीएमसी च दाखिल है एक महीने तो वध समा हो गया पर कोई पंजाब पुलिस ने कोई कदम नहीं चुकया मुलजमान खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं पंजाब पुलिस से सवाल खड़े हो रहे हैं जो एक वादा किया जाता दावा किया जाता जिस लई जो साड़ी राखी लई पंजाब पुलिस बनी है जेकर वह भी एफआईआर दर्ज नहीं करती तो वाकई पंजाब पुलिस से वड्डे सवाल खड़े होंगे ने। अते इसे ते ज्यादा जानकारी मेरे में सहयोगी मनोज जोशी जुड़ चुके हैं। मनोज की जानकारी हुण तक पुलिस ने एफआईआर तक नहीं की। बिल्कुल आशीष अगर आप इस गलू देखिए कि पूरा जो मसला है ये गल कि पुलिस की जी लापरवाही हैगी है गवर्नमेंट रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स जी कि जिसे पंजाब पुलिस के जवान ही जाते हैं उ काम करते हैं तो उन्होंने एड्डी बड़ी लापरवाही यही है कि जे कानून के जानकार उन्होंने मानना है कि जो भी कोई घटना होती है तो उसकी जी है एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ होनी चाहिए है ताकि जांच शुरू हो सके। अगर बयान नहीं आया सर तो बयान का मतलब होंगे कि पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में पता लगता है क्योंकि रेलवे का एक्सीडेंट है रेलवे लाइन तो जी मुंडा है जख्मी हालत जी शरीर मिले जी बॉडी सी वह बहुत सारा जख्म से रीढ़ की हड्डी पूरी तरह चुकना शुरू हो चुकी थी तो यह सारा मसला इदा का सगा कि इसको देख के लगता सब कुछ पता है कि वो बंदा जो लड़का है वो बयान देने की काबिल नहीं होगा उन्होंने दिता हिस्सा पूरा जो खत्म हो चुका वो बंदा बोल नहीं सकता अज भी वो गल नहीं कर सकता इशारे ना कोई गल समझा अखा भी इशारे करके समझा है पुलिस जी थी उसे अज्ञात लोगों के खिलाफ अनजाण लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच करती क्योंकि हम सवा महीना हो चुका है अशीष अगर आप गल करते हैं तो इस सवा महीने में टूल खत्म हो जाएंगे आरोपी दौड़ जाएंगे कितने जाएगी गड्डी कितों बंदा आया कि जगह तक गिरिया कौन बंद जी कितों पता लगेगा अनजाण से अनजाण से टिकट लिया नहीं लिया यह जानता पुलिस की लड़ी लापरवाही है अभी भी पुलिस ये कहती रही जे आयु थे
वो ये कहते रहे कि जो मसला है ये सानू कोई कंप्लेट नहीं आई, जबकि तुषार के पिता जब शामी साड़ी गल हुई तो उन्होंने कहा कि अभी 24 तरीक न जिस दिन असं मतलब पूरी गलबात की परिवार ने उस दिन असं जी मेल सी लिख भेज थी जिन्होंने लिख के कुछ लड़कियां जो सू इशारे गल दसी लड़कियां जो अपने कुछ जी गलियां दसियां इशारे असं उस हिसाब न पूरी जानकारी वो लिखता है मोबाइल के उपर हाथ न अपना टाइप करता है टाइप करके जो उन्हें गल दसी बिल्कुल देखो अणगहली बहुत बड़ी हैगी आशीष जी की इसकी सब तो बड़ी गल कि परिवार जो बहुत परेशान है जिसका मुंडा मिलिट्री के भर्ती होने वास्ते जो वो गया हो जा रहा हो दो तीन चाचू ने क्लीयर कर दिया हूं अहमदाबाद जा रहा है तो वो परिवार कितना दुखी होगा बच्चों को देख के पहली गल दूजी गल पैसा रहा पानी मंगना गरीब परिवार है मध्यम वर्गी परिवार 7 to 8 lakh rupees देन एन हस्ता लग चुका हूं तक कोई कार्रवाई नहीं होगी कोई रेलवे वालों कोई उन्होंने दसा गया यह दस दे रहे कि लड़का दसदा कि एसी जी जरा बोगी से उसके सिगरट पी रहे थे उन्होंने सिगरट पीने को रोकया तो रोकने नाल रोक के वाशरूम चला गया जो टॉयलेट से चला गया जो टॉयलेट तो बाहर आता है तब तीन लड़के होंगे कहता उसे पकड़ के थले नीचे घेर देंगे ने रेल तो चलती रेल तो थले घेर देंगे तो सोचो किस तरह की हालत होगी परिवार माँ बाप का रो रो के बुरा हाल है भाई भाई का रो के बुरा हाल है पुलिस को जाने कोई कनवाई नहीं इस तरह लगातार दिखाई दे रहे थे कि असं जम्मू के रहने वाले हैं पंजाब सारी कोई सुनवाई नहीं हैगी बिल्कुल हालांकि मनोज जेकर देखा जाए लुधियाने तो तल्लुकात रखते हैं जो साबका एमपी ने रमनीत सिंह बिट्टू और मौजूदा समय वो केंद्रीय वजारत च उन्होंने जो महकमा मिले केंद्रीय रेल राजमंत्री का ठीक है उन्होंने हलका उत्थे एफ आई आर तक दर्ज नहीं हो रही जो कि जी आर पी एफ पुलिस ने करनी है जो कि रेलवे पुलिस है यह वड्डा सवाल खड़ा होंगे उन्होंने भी उन्होंने महकमे से भी वड्डा सवाल खड़ा होंगे बिल्कुल बिल्कुल देखो ये रणनीत बिट्टू का मसला जाना चाहिए है लुधियाने का मसला लुधियाने उन्होंने जो होम आप कही जो हल्का है उसे अगर इदा की गल होती है उसे शहर रहते हैं तो उस जगह के पुलिस जी है वो लोगों की सुनवाई नहीं कर रही देखो इसे गल साफ हैगी है चीज कि एफ आई आर एक दिन पहला 19 तरीक घटना हुई है जो एम एस सी कट्टी गई है 19 तरीक की उस दिन जो है एफ आई आर क्यों नहीं की गई पुलिस ने इन लापरवाही क्यों की है अज्ञात लोगों ने अनजान लोगों पर एफ आई आर होनी चाहिए थी अजे तक नहीं अज भी जी एफ आई आर होनी है वो भी बाई नेम नहीं होनी हैगी उसे भी अज्ञात लोगों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज पता नहीं कौन ने मुझे उस दिन जिन्होंने घेरा है लापरवाही है कि अज भी किया जाता अभी जी मेल से ले रहे हैं अभी मेल आऊगी तह करा जी बयान 10 million rupees डॉक्टर कहते अनफिट है पर एफ आई आर क्यों नहीं हुई क्योंकि अनफिट है तो एफ आई आर हो सकती है पर इसे गल साफ सी कि जो पूरा मसला है यह लापरवाही का है और एक परिवार जोड़ा है लचार दिखाई दे रहा है यह सब तो बड़ी गल है एक बच्चे जो सब कुछ टुट गया जिंदगी खराब हो गई है जिसे शरीर चलने वालों लचार हो गया जिंदगी पर नहीं उठ सकता है घटना वापरती है उसकी जिंदगी खराब होगी बेजान बेसुध हालत उसनू सुट्टिया जांदा है उस तो बाद पंजाब पुलिस यह कह रही है या रेलवे पुलिस माफ करना रेलवे पुलिस यह कह रही है कि तुसी इत्थे जाओ तुसी उत्थे जाओ जो एक मां नूं दर दर दी ठोकरां खाण लई मजबूर होना पै रहा है कि 36 दिन हो गए एफ आई आर क्यों नहीं हो रही कोई शिकायत तक नहीं दर्ज हो रही की कार्रवाई कर रही है रेलवे पुलिस बिल्कुल बिल्कुल इसे यही गल बार बार जो जाने तो यही करके जो बयान देने के काबिल नहीं डॉक्टर कहते बयान देने के काबिल नहीं है पर जी बयान देने के काबिल नहीं है तो आप थोड़ी की इन्वेस्टिगेशन नहीं करा ये भी सब तो जी पहले प्राथमिकता यही थी कि आप एफ आई आर दर्ज करते जे अनजान लोग उन्होंने गल एफ आई आर दर्ज करते थोड़ी अगर कार्रवाई शुरू करते परिवार जरा बार बार कहता ऐसा की गल भी है कि जो आईओ सी वो कहता मैं कई बार गया है डॉक्टर मैंने यही कहता नहीं है कि जे ने बयान देने के काबिल नहीं है पर एक गल कहने कि पुलिस जोड़ा पिछा नहीं छुड़ता है एक इंसाफ है सबूत ने सबूत मिट जाएंगे सारे जे आरोपी दौड़ जाएंगे आरोपी का पता लग सकेगा गड्डिया धोनिया जाएगियां कौन सगा कितने गल हुई है क्योंकि अगर उस दिन कार्रवाई होंगी उस दिन गड्डी जी 19 May में गड्डी कितों कितने गई है 20 May पता लग सकता कितों कितने गई थी गड्डी कितने रुकी थी उत्थे कौन कौन सगा समान नहीं मिले लगेगा बैग नहीं मिले लगे कपड़े नहीं मिले है सारा समान एक फोन सगा जो जेब सगा उ फोन जोड़ा इस मुंडे उन्हें घर वाले मन तक पहुंचाने वास्ते जोड़ा मददगार साबित होया सगा कि जब ये चाचा ने फोन किया तो उस तो पता लगा कि ऐसा ना किसी ने फोन चुकया इसे गल एक होर चीज अपना कहने वाली अच्छी थी कि लेके सिविल अस्पताल गए थे लुधियाना के उत्थे भी जवाब मिल गया उन्होंने कहा भारत ने कहा कि साढ़े को इलाज तुम किसी प्राइवेट अस्पताल ले जाओ या चंडीगढ़ अस्पताल ले जाओ यह भी बड़ी गल थी और देखना कि हर पास जी निराशा परिवार को मिली हैगी परिवार काफी निराश थी
ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇਖੋ ਮਨੋਜ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੋਜ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਾਂਗੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਰੋਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਨੋ ਸਮੋਕਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਡੀਐਮਸੀ ਚ ਦਾਖਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ बिल्कुल बिल्कुल लुधियाना वर्गा शहर बड़ा शहर है जीआरपीएससी की प्रोडक्शन फोर्स होंगी आरबीएफ होंगी रेलवे प्रोडक्शन फोर्स होंगी जी की नाल चलती है गड्डिया के जिड़े कि हर बोगी होंगी एसी बोगी जो आरबीएफ के जो जवान ने वो होंगे ने पर हूँ इस सब तो बड़ी गल यह आती थी कि जे वो लड़का उत्थे गिरिया सीगा तो उसको जो इंसाफ कौन दवाएगा जे इदा नहीं कहना बड़े बड़े स्टेशन से होंगे लुधियाने वर्ग स्टेशन का छोटे स्टेशन का की हाल होगा इस तरह का साफ है कि जे दबंग ने हर जगह है उस जी हैगी है वो खाना पूर्ति वास्ते अपनी जी है पकड़ कही कि लगा लगाई जाती है जो जो कोई घटना होंगी उसकी जांच भी हैगी होंगी है एक गल वो सारे मसले ने जेडे कि लोगों आम लोगों ने जुड़े आम लोग वास्ते कोई भी प्रशासन पुलिस नहीं दिखाई देता है इतने एक सू गल दसदा कि फादर ने उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री उन्होंने लैटर लिखा था कि साडे नूं इंसाफ दवा जाए पर उतों भी कोई लैटर नहीं आएगा उन्होंने वो कहें उसके बाद फिर रेलवे मिनिस्टर ने भी लिखा जरा बैंक मिनिस्टर ने बड़े थे उन्होंने भी कोई जवाब दिया अभी पीएम ने भी जवाब लिखा पर किसी भी कार्रवाई नहीं हुई कि पंजाब के जी पुलिस हैगी स्टेशन के लागे हैगी है उधर स्टेशन के कोल से थोड़ी दूर के उपर जो हस्पताल है उसके जो आयोजन जाते हैं पर कोई कार्रवाई उत्थे नहीं पै रहेगी ये बहुत बड़ा जो परिवार वास्ते दुख की घड़ी हैगी परिवार काफ़ी ज़्यादा निराश है क्योंकि दो गलों ने कि इंसाफ नहीं मिल रहा एफआईआर दर्ज नहीं हो रही और दूजा लड़का बंदा हस्पताल मंजे से पिया जिसे कि उस देख के वो काफ़ी नचार दिखाई देते हैं मनोज एक होर सवाल है मेरा कि तुषार दी कुछ रिकवरी हुई है कि डीएमसी हस्पताल च वो इन्ने टाइम तो दाखिल है कुछ रिकवर किया उसने हाँ बिल्कुल देखो रिकवर होया है गया, पर जी उन्होंने हालत हैगी जी सर्वाइकल स्पाइन हैगी है उसकी जी हालत और ठीक नहीं हैगी जी सर्वाइकल कोड हैगी है बहुत ज़्यादा इंजर्ड हैगी है तो उन्होंने रिवाइव होने से बहुत टाइम लगना है तो इस करके जो परिवार है कुछ माड़ा मोटा इशारे गल करता है जो फोन में हाथ चलाने तो फोन कुछ लिखने की कोशिश अपने हाथों में इको दस देगा ठीक करना चाहता उन्हें कुछ लिखने की कोशिश करता उन्हें यही लिख के इशारा लिख के सारी गल दसी हैगी है तो उही गल अगे जी गई हैगी है तो जो आईओ ने गल की उन्होंने कहा कि तुम क्यों नहीं जाके लेंदे कंप्लेट वो कहता कि मैं जाके अगर मेरा साइन नहीं करता मैं अंगूठा लगवा दाँगा ये भी परिवार अंगूठा लगवा दो परिवार ने मेल की मेल हो जाए एफ आई आर दर्ज हो जाए यू भी मतलब कि एफ आई आर अज भी जी है वो एफ आई आर दर्ज नहीं हो पाई है क्योंकि जरा कि बहुत ही दुखद गल दिखाई दे रही है जी जी मनोज जी धन्यवाद लगातार वड्डे सवाल खड़े हो रहे हैं जस्टिस फॉर तुषार इंसाफ कदों मिलेगा यह वड्डा सवाल है पंजाब पुलिस तो सवाल है और लगातार जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ये सवाल खड़े कर रहा है कि पुलिस कदों तुषार की सार लवेगी एक महीना हो गया 36 दिन हो गए FIR क्यों नहीं दर्ज हुई कदों FIR दर्ज होगी तुषार को इंसाफ कदों मिलेगा यह भी वड्डा सवाल है हालांकि क्यों GRPF वालों कार्रवाई की नहीं गई कि सिगरेट पीन तो रोकना यही तुषार का कसूर सी एह जे कई सवाल खड़े हो रहे हैं पर 36 दिन हो गए कार्रवाई कोई नहीं हुई यह वड्डा सवाल है पंजाब पुलिस से वड्डा सवाल है हालांकि जेकर देखा जाए एक बयान भी मैं तुम्हें सुनाऊंगा वो जो पुलिस का कहना है वार बार जो लारा लाया जा रहा है कि लेट लई कि क्यों देरी हो रही है वो मैं एक बयान भी चाहूंगा कि वह एक बयान जरूर सुनाया जाए हालांकि उस तो पहले मां की गुहार की है मां की पुकार की है एक बार वो भी सुनांगे कि जो तुषार की हालत की हड बीती सुना रही है भारतीय रेल जी है किसी ना किसी कारण कोई ना कोई गल लेके हमेशा चर्चा रहती है चाहे कोई हादसा हो चाहे किसी यात्री नाल किया गया दुर्व्यवहार हो पर एक ऐसी की घटना सामने आई है कि जम्मू तो एक मिलटरी का एग्जाम देने लिए जो युवक सगा वह जम्मू तो रेलवे बैठा इसी कोच लता पर जदों वह लुधियाना को पहुंचा तो उन्होंने नहीं पता उन्होंने की होया कि वह हस्पताल के बच्चा उद्धे घर ने उन्होंने एक सूचना आई कि थोड़ा लड़का हस्पताल जब हस्पताल देखते हैं तो वो रीढ़ की हड्डी पूरी जी डैमेज हो चुकी है तो वह लड़का पिछले एक महीने तो लुधियाना के दयानंद मैडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के दाखिल है तो परिवार जोड़ा है काफ़ी परेशान है पर जोड़े है GRPF की गल करिए आप रेलवे प्रोडक्शन फोर्स की गल की है उन्होंने हज तक कोई भी FIR दर्ज नहीं की सवा महीना के आस पास जोड़ा वह हो गया है सर उन्होंने माता जी ने उन्होंने गल करने की कोशिश करेंगे तो मैडम जी की नाम है जी प्रतिमा ठाकुर मतलब जी क्या बात हुई थी पूरी कहानी डिटेल से बताएं आप मेरा बेटा जा रहा था नाम क्या उसका तुषार ठाकुर वो जा रहा था SSB देने के लिए 1:30 बजे की ट्रेन में गया है और शाम को 7 बजे हमें फोन आ जाता है कि उसका 1:30 बजे कहाँ से बैठा था जम्मू से बैठा था और शाम कहाँ जाना था उसने गांधीनगर
अहमदाबाद के लिए, तो शाम को 7 बजे हमें फ़ोन आ जाता है कि ऐसे ऐसे उसका एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन से गिर गया। दोपहर को 1:30 बजे जम्मू से बैठता है गांधीनगर के लिए, और शाम को आपको 7 बजे फ़ोन आता है। हाँ जी, फ़ोन आता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया हुआ है। तो लगातार जी पंजाब हरियाणा हिमाचल भी पंजाब पुलिस से सवाल कर रहा है कि कदों FIR दर्ज होगी, कदों एक मां नूं इंसाफ मिलेगा, कदों तुषार नूं इंसाफ मिलेगा। फिलहाल खबर चैनल में दो इजाजत, धन्यवाद।